डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। शामक खुद चलकर आई है ये तो सुना ही होगा, चलिए आज देख भी लीजिए। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अभियुक्त सौरभ गिरी के बारे में। मेरठ पुलिस इन अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के जरिए इनको पकड़ने में नाकाम रही, लेकिन सौरभ गिरी की शामत खुद उसको थाने तक ले आई। दरअसल कई मुकदमों में वांछित चल रहे अभियुक्त सौरभ गले में तख्ती लटकाकर थाना परीक्षितगढ़ पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। उसने माफी मांगते हुए कहा कि वो आगे से इस तरह के अपराध नहीं करेगा। सुनिए। मेरा नाम सौरभ गिरी, पिताजी का नाम रामवीर गिरी, गांव खटकी। मैं पुलिस के डर की वजह से तख्ती लगाकर आत्मसमर्पण करने आया हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे से मेरे से कोई गलती नहीं होगी। सौरभ के पास से 312 बोर का तमंचा, खोखा व कारतूस बरामद हुए हैं, साथ ही उसको कस्टडी में ले लिया गया है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में SP देहात अनिरुद्ध कुमार ने यह जानकारी दी। आज सौरभ गिरी नाम के व्यक्ति ने थाना परीक्षितगढ़ में उपस्थित होकर गले में तख्ती लटकाकर आत्मसमर्पण किया। वह कई मुकदमों में वांछित था, जिसमें एक मुकदमा 377/21 भी है, जो 307 और 7 CLA एक्ट में लिखा गया था। इसके अलावा भी उसके ऊपर 4 मुकदमे हैं। थाना पुलिस लगातार इसमें दबिश दे रही थी, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। आज उसने स्वयं आत्मसमर्पण किया। इसमें उससे पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। शीघ्र ही इसे कस्टडी में लेकर के इसे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।